16, paper 12, question 34. Four different resistors are arranged as shown. Current of 1.5 ampere enters the network and leads through a wire. यहां से बेटा करंट एंटर हो रहा है और यहां से करंट लीव कर रहा है। वो आपसे कह रहा है कि करंट बताओ 30 ओम्स पे। यहां पर करंट कितना है ये बताओ। देखो इस सर्किट को मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं कि ये एक्स है तो ये 70 ओम्स और यहां पर एक 50 ओम्स 30 ohms और 60 ohms. उसके बाद ये यहां से लीव कर रहा है, ये पॉइंट y है, ये पॉइंट x है। फिफ्टी और 60 पैरल नहीं हो सकते ना बेटा, क्योंकि देखो यहां से एंटर हो रहा है तो बेसिकली यहां से दो ब्रांचेस बन रही हैं। तो अब ये ब्रांच चाहे ये बना हुआ उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, ये और ये पूरा सीरीज में ही तो है, ये पूरा सीरीज में है क्योंकि जॉइंट तो यहाँ और यहाँ है। तो ये तीन रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में हैं, ये 70 ओम पैरेलल में। अब इस पूरे सर्किट की टोटल आर की वैल्यू निकाल लें। टोटल आर है ये 70, 50 और 30 80, कैलकुलेटर करना 50 और 30 80, 80 और 60 140. 1 over 70 plus 1 over 140 whole minus 1, ये टोटल आर आ जाएगा। कितना है? 46.7 को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा 70 volt. पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, इसका मतलब कि अगर पैरेलल में वोल्टेज इक्वल है तो यहां पर वोल्टेज 70 है और बेटा यहां पर टोटल वोल्टेज 70 है। अब हमने ये बात पहले भी डिस्कस की हुई है कि अगर इस पूरे में वोल्टेज 70 है तो रेशियो अप्लाई कर दो जो बताया था पहले, टोटल वी उसके सामने टोटल आर और इंडिविजुअल वी उसके सामने इंडिविजुअल आर। तुम्हें 30 ओम का करंट मिल जाएगा। या फिर कोई मुझसे ये भी कह सकता है, अगर तुम मुझसे कहो ना कि इसके अलावा क्या करें, इसके अलावा मैं दूसरा मेथड बताता हूं। सुनो, इस पूरे पैरेलल में वोल्टेज सेम है टोटल, तो करंट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वी अपॉन आर। आप कहेंगे वोल्टेज 70 है डिवाइडेड बाय, इन तीनों को ऐड करोगे तो 60, 30 और 50, 140 डिवाइड करना बेटा, यहां पर आएगा 0.5 एम्पीयर। तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी ब्रांच में नीचे वाली 0.5 एम्पीयर है और क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है तो वही करंट यहां से जा रहा है, वही करंट यहां से जा रहा है, वही करंट यहां से जा रहा है। तो 0.5 एम्पीयर इज योर आंसर कि 30 ओम में से भी इतना ही जाएगा। चलो डायरेक्टली कह सकते कि 70 और 140 हाफ का फर्क है तो 1 बच जाएगा पॉइंट, ये हाफ रेशियो अप्लाई कर सकते। देखो ना, अब रेशियो जब अप्लाई कर सकते हो जब 70 और 140 का रेशियो है। हां, अगर यहां 18 और 12 होता या 10 और 8 6 होता 7 होता फिर नहीं कर सकते थे ना। इस सिचुएशन में कर सकते हो, तुम कह रहे हो रेशियो बिल्कुल कर सकते हो। तो 1.5 एम्पीयर में से अगर यहाँ 70 वोल्ट जाएगा और 70 ओम है तो मतलब इस वाले तार में जो करंट है वो 1 एम्पीयर है और इस वाले तार में करंट जो है वो 0.5 एम्पीयर है और वो 0.5 एम्पीयर हर जगह सेम है तो 30 ओम पर भी 0.5 एम्पीयर।